नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर वार्ड नंबर 15 राज पैलेस के साथ वाली गली में। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम राकेश खजूरिया और उसे घर में बिट्टू भी कहा जाता है, वो पहली तारीख से रात 10:30 के बाद वो घर से लापता हो गए। मैं आपको बता दूं कि उस दिन व्यापार मंडल की इलेक्शन थी, उन्हें वहाँ पर देखा गया और उसके बाद वो घर को लौटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो घर वालों में काफ़ी परेशानी बनी हुई है। घर का कोई भी सदस्य अगर घर से लापता हो जाता है या बिना बताए निकलता है तो घर में काफ़ी परेशानी रहती है। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर हैं, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं देखें तो पूरे के पूरे मोहल्ले में भी इस तरह का ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि आखिर वो गए कहाँ से। फ़ोन किया जा रहा है, उनका स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उनकी पत्नी से कि कुसले दे गए थे जिंगा, मैं टाइम तो सारा कि 10:30 बाद क्या घर कोई गलबात हुई थी? नहीं, घर कोई गल नहीं हुई थी उनकी, साड़ी ठीक ही है। कितने बजे घर सवेरे निकले हो? पहले सवेरे पहले इलेक्शन करने चली गए, फिर वह मंदिर चली गए, फिर मंदिर दे आने के बाद वह फिर दोबारा इतने आई दुकान च चाह पीती, 6:30 के करीब चली गए। फिर वो बाद मैं पता नहीं चलिया उनका, वो बाद ना आया। मैं दिखे इलेक्शन बेच उठे अपने, फिर वो बाद में फोन किया जिसलै तो उनका स्विच ऑफ आया 10:30 फोन किया, स्विच ऑफ आया उस बाद स्विच ऑफ आया। मैं सोचा आइया ना आया, मैं दिखती रही पूरे दिन, दिखती रही रात तक, अस पूरे जागे रहे। ये मुड़ा मेरा है, ये उत्थे गोवर्धन पैलेस तक 2-3 रौन लाई है, 2:30 के बाद चक्कर लाई है। हाँ, 2-2:30 रौन लाई है। उसके बाद भी ये उनका कोई पता नहीं है। दूए दिन भी परेशानी ज़्यादा शुरू हुई, फिर वो बाद अस रिपोर्ट लिखाने गए, वो आख लगे 24 घंटे पहले नहीं होनी रिपोर्ट, ये बाद होनी है 24 घंटे। जेडे रिश्तेदार न इन सारे पता ये सारे पता करी ओड़े, अस कोई रिश्तेदारी छोड़ी नहीं, हर जगह गए अस, जिथे भी उन्दे रिश्तेदार हे बनाल बिच सारे पता लैता है, वह कुत नहीं पुजे दे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि घर में परेशानी बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति मिलता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो उनकी उम्र अगर मैं बताऊं तो उनकी उम्र 57 साल उनकी उम्र है। घर से वो बिना बताए नहीं निकलते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 10:30 बाद वो घर आते हैं। लेकिन मैं उनसे बेटे से पूछना चाहूँगा, उनके बेटे ने भी कुछ मेरे से बात की है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने मुझे बताया कि वो घर आए थे, गली में एंट्री की, गली में आए थे वो। हाँ। उसके कोई 10:30 कोई गाड़ी आई थी, स्विफ्ट गाड़ी थी, तो उसी में हाँ उसमें कोई लड़का आया, तो उन्होंने उनको बिठा के लिया, पतला सा लड़का था कोई, तो उन्हीं के साथ गाड़ी पूरी शो नहीं हुई है, बट तो थोड़ा कैसे पता चला कि गाड़ी में बैठे हैं? हमने सर हमारे मोहल्ले में एक दुकान है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था ऊपर, हाँ तो वहीं से हमने देखा। हाँ जी। तो पुलिस क्या कहती है, रिपोर्ट करवाई है, पुलिस कहती है कि ढूंढा जाएगा उन्हें? हाँ जी बोलते हैं सर, पूरी कोशिश है हमारी। तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि शायद वो मचेल माता चले गए, पहले तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, या वो अगर देखे खबर को घर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहूँगा सर, जहाँ भी हम सर मिल जाएँ, वो प्रेशर है पुलिस में जाके सर उनको थोड़ा फोर्स किया जाए सर। तो आपका नाम क्या है? सर राघव खजूरिया। राघव जी, देखिए ये उनके बेटे थे राघव खजूरिया, इनके द्वारा भी अपील भी की जा रही है, पुलिस से भी की जा रही है और लोगों से भी, कि अगर कोई इस खबर को देखता है या कि राकेश खजूरिया खुद इस खबर को देखे तो घर लौट आएँ, क्योंकि घर में काफ़ी परेशानी है। अगर उनका दोस्त कोई ये खबर देखता है, उन्हें पता चलता है तो उन्हें बताया जाए। अगर पुलिस स्टेशन में कोई उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लगती है या उनके खिलाफ कोई बात आती है तो पुलिस को भी चाहिए कि उनके घर में फ़ोन किया जाए, उन्हें बताया जाए। मैं फिर आपको बता दूँ कि घर में काफ़ी परेशानी है, सारे रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं और हम भी अपने चैनल से यही अपील करेंगे कि राकेश जी अगर कहीं भी हो तो अगर आप ये खबर देखें तो तुरंत अपने घर में फ़ोन करें या अपने घर में आएँ। मैं आपको फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ, उनकी फ़ोटो यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा, कि अपना कैमरामैन से कहूँगा कि इसे क्लोज़ करें और ये बताएं कि ये इनकी फ़ोटो है। ये देखिए, ये फ़ोटो है इनकी, राकेश खजूरिया, ये वार्ड नंबर 15 राज पैलेस के साथ वाली गली में रहते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि घर का कोई भी सदस्य जाए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, लेकिन घर में कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती है। प्लीज़ आप लोग इस फ़ोटो को ज़रूर देखें और कहीं भी अगर ये नज़र आते हैं तो प्लीज़ उनके घर में फ़ोन करें या साथ वाला कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर फ़ोन करें और
सूचित किया जाए ताकि उन्हें भी ये पता चले, उनके घर वालों को भी पता चल सके कि आखिर राकेश जी कहाँ पर हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।